यस क्लास, अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देख लें आपकी वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर टू है पेज नंबर 9 पर। मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट बताना है आपको कि नीचे जो सेट दिए गए हैं इसमें से एम्प्टी सेट कौन सा है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। नल सेट भी कहते हैं उसको, या हम इसको फाई सेट भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, एम्प्टी सेट हो, खाली हो। मतलब कि आप इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम उसको या तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये कहलाता है एम्प्टी सेट, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये कहलाता है, इसको हम फाई कहते हैं और ये एम्प्टी सेट कहलाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है, ये एम्प्टी सेट होता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा एम्प्टी है और कौन सा एम्प्टी नहीं है, यानी कि नॉट एम्प्टी, ठीक है। मैं आपको बताती जा रही हूँ पढ़ पढ़ के। आप एक क्वेश्चन उतारेंगे उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे, इसी तरीके से ये तमाम क्वेश्चन 6 तक आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 से 10 के दरमियान कोई भी होल नंबर मौजूद नहीं है, 9 के बाद डायरेक्ट 10 आता है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाएगा, खाली सेट होगा, कोई सेट नहीं बन सकता इसमें। दूसरा है हमारे पास सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मई बिफोर 1994 से पहले मार्स पर कौन से लोग जो है वो आबाद थे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान एक नंबर आ रहा है 5, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसमें आप लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम्स, तो ये भी हमारे पास नॉट एम्प्टी है, इवन नंबर 2 है, तो ये नॉट एम्प्टी है, ठीक है। 5 पे आ जाइए सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000, 1000 में 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो इससे कोई बड़ा नंबर है ही नहीं मौजूद, तो इसलिए ये जो कहलाएगा ये एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे पास कहलाएगा नॉट एम्प्टी सेट।